ब्रूटल हो गया ये भाई, मेरा मन नहीं मान रहा, इतना निर्दयी मैं कभी नहीं हुआ गाइस। तो गाइस लाइफ इज फन व्हेन यू गेट मोर देन वन, और इसी फिलॉसफी के साथ मेरे पास भी यहाँ पे दो दो बॉक्सेस आ गए हैं ऑल न्यू फ्रॉम ऑनर। ये है ऑनर का X9B 5G, द ब्रांड न्यू स्मार्टफोन, साथ में है ऑनर चॉइस ईयरबड्स X5। तो आज इस वीडियो को बाकी दिख रही है, लाइक को शेयर करते हैं, हम करते हैं इन्हीं को अनबॉक्स और पता लगाते हैं कि आखिर इस फोन में ऐसा क्या है जो ऑनर बोलता है कि ये अंदर से भी मजबूत है और बाहर से भी बहुत ज्यादा ताकत लेके आता है। तो लेट्स अनबॉक्स दिस न्यू ऑनर फोन एंड द न्यू ईयरबड्स एज वेल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो टाइम टू अनबॉक्स, और अनबॉक्स जब हम करते हैं ऑनर X9B को, बॉक्स में सबसे पहले हमारे पास में रखा है, ओ दिस लुक्स नाइस एक्चुअली, ब्लैक और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है इस मिडनाइट ब्लैक कलर में, काफी इंटरेस्टिंग मैट फिनिश है। वैसे इसका एक सनराइज ऑरेंज आता है वेरिएंट, जो कि आता है वीगन लेदर के साथ में। देन वी हैव सिम टूल केस फॉर सम बेसिक प्रोटेक्शन, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, और फिर है फोन के साथ में एक USB A to C केबल। चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिल रहा है, बट ऑनर इज गिविंग यू अ चार्जर एज अ बंडल वर्थ 610 rupees फोन के साथ में। टेंशन की बात नहीं है, चार्जर आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं ईयरबड्स की, तो यहाँ पे इनको जो हमने अनबॉक्स किया, ऐसा इनका डिजाइन है, पेबल लाइक शेप में आते हैं, और ये सिलिकन इसके साथ में आते हैं टिप्स के साथ में, जो कि कान में अच्छे से सिक्योरली फिट हो जाएगा, एंड लुक्स लाइक अ टिपिकल पेयर ऑफ ईयरबड्स। साथ हमारे पास में है फिर कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। अब खैर, यहाँ पे हमारे पास में फोन आ चुका है, एंड दिस रिमेन्स टू बी द मेन हाईलाइट। तो अगर आप देखो उसको ध्यान से, और फिर हम उसको करते हैं बूट और पता लगाते हैं कि इस काफी स्लीक, काफी लाइट वेट फोन के अंदर ऑनर ने क्या पैक किया है। So guys, this is the super sleek and super light Honor X9B. मतलब वाकई में फोन काफी ज्यादा स्लिम फील होता है, इनफैक्ट काफी ज्यादा लाइट वेट भी है, वेल अंडर 200 grams, और ये सब इस फोन के अंदर काफी ज्यादा चीजें पैक हुई हैं। उसके बावजूद आपको बताऊंगा व्हाट इज द बैटरी कैपेसिटी एवरीथिंग, बट सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट द फोन, जो एक मेन हाईलाइट निकलती है किसी भी फोन की, वो है फोन का स्क्रीन, एंड यहाँ पे Honor has done a lot. Honor के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि ये एक 1.5K 120 हर्ट्ज वाला 6.78 इंचेस के साथ में आने वाला एक 3D कर्व्ड स्क्रीन है। ऑफ कोर्स AMOLED पैनल है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सब चीज़ें मतलब बहुत अच्छी हैं, बट यहाँ पे एयरबैग टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, एयरबैग टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे कुछ ऐसा किया है Honor ने कि फ़ोन को अगर आप गिराते भी हो ना, बहुत ज़ोर से मारा है मैंने मारा है लिटरली, बट कुछ नहीं हुआ है। एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, देखो वीडियो हो सकता है फिर बने ना बने, बट मैंने पटका है फोन को यार, बट द फोन इज एज इज। तो Honor बोलता है कि फोन काफी ज्यादा मजबूत है, एक बार और कर लें क्या? ओके नहीं, स्टिल लेट्स डू वन मोर टाइम। इतना निर्दयी मैं कभी नहीं हुआ गाइस, लेकिन Honor के अकॉर्डिंग ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और स्क्रीन को ये बहुत ज्यादा मजबूत बना देती है। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं कर्व्ड ग्लास की ना, तो यू नो समटाइम्स बहुत डेलिकेट होते हैं फोन, बट एक बार वापस कर लेता हूं मैं मेरा मन नहीं मान रहा, नहीं एज इज, कोई टेंशन नहीं है। तो ये इस फोन की स्ट्रेंथ आपको बताता है क्लियरली कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई, और इनफैक्ट काफी स्लीक है, और मुझे फ्रेम पे भी कहीं पे भी कुछ भी मार्क नजर नहीं आ रहा यार, विच रियली मींस कि फोन वाकई स्ट्रांग है। और यहाँ पे गाइस जो स्क्रीन है ये आता है 1920 हर्ट्ज PWM डिमिंग के साथ में, तो आपको लो लाइट में जब आप लो ब्राइटनेस यूज करते हैं तो कोई फ्लिकरिंग का इशू नहीं आने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं डिजाइन की,
तो डिजाइन अगेन एज आई सेड कि काफी स्लीक है, काफी लाइटवेट को फील होता है आपको। अगर हम बात करते हैं बटन स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे राइट साइड में है पावर लॉक, मतलब बटन के ठीक ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर हमारे पास में सेकेंडरी माइक्रोफोन है, इधर कुछ भी नहीं है, और नीचे टिपिकल हमारे पास में ड्यूअल सिम ट्रे है, फिर प्राइम माइक्रोफोन है, यूएसबी सी पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। जो कैमरा है यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स एआई विजन कैमरा, एक ट्रिपल कैम सेटअप है जहां पे जो मेन कैमरा है वो यहां लगा है इस तरफ, एंड दिस इज 108 मेगापिक्सल्स। उसके बाद में यहां पे लगाया है दूसरा कैमरा, ये है अल्ट्रा वाइड 5 मेगापिक्सल्स का, शुड हैव बीन एटलीस्ट 8 इन माय ओपिनियन, और फिर तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, उसको हम छोड़ देते हैं, और यहां पे है ये एलईडी फ्लैश। बट ये जो पूरा डिजाइन है द कैमरा रिंग, ये मेरे को रोलेक्स की फ्लूटेड बेजल की याद दिलाता है, जो अगर आप देखेंगे ना पास से तो आपको वैसा वैसा नजर आएगा डिजाइन इसका। एंड इनसाइड गाइस, इफ वी चेक कि अंदर क्या है यहाँ पे ऑनर की तरफ से, तो यहाँ पे हमारे पास में है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 प्रोसेसर, ये बेस्ड है 4 नैनोमीटर्स के ऊपर, तो मतलब यू गेट अ नाइस ब्लेंड ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। हमारे पास में एक ही वेरिएंट आता है जहाँ पे है 8GB की रैम प्लस 8GB की वर्चुअल रैम भी अवेलेबल है, और जो स्टोरेज है वो है 256GB की। बैटरी अगेन मैं बोल रहा था कि बहुत एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है मेरे लिए भी, बिकॉज इतने पतले और इतने हल्के फोन में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे ऑनर ने 5800mAh की बैटरी को पैक कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि जो बैकअप है वो आपको काफी अच्छा खासा मिलने वाला है इस फोन के साथ में, और जो मजबूती है ब्रूटल हो गया है ये भाई, आई एम रियली सॉरी अगर ये फोन टूट जाए तो, और नहीं अभी भी चल रहा है। तो ये है दोस्तों इस फोन का कंप्लीट पैकेज। स्पीकिंग ऑफ कैमराज, मैं आपको बता चुका हूँ पीछे हमारे पास में ये ट्रिपल कैम सेटअप है, सामने हमारे पास में है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो ये जो सारे अभी आप फोटोज देख रहे हो ये सभी हमने इस फोन से क्लिक किए हैं यूजिंग द फ्रंट कैमरा, द रियर कैमरा, और जो शॉट्स हैं वो कुछ आपको ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे ये जो फोन है मैं बोलूंगा एक इंटरेस्टिंग मिड रेंज फोन है फ्रॉम ऑनर X9B, और बेसिकली पैक्स मोरलेस जो आपको फीचर्स चाहिए वो सभी चीजें एक फोन में। मैजिक ओएस 7.2 पे ये रन करता है जो कि एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है, और ऑनर अगर आपको याद है पहले एक टाइम पे इंडिया में काफ़ी इंटरेस्टिंग फोन चलता था, और अभी जब दोबारा से आया है इंडिया में तो हमने पहला फोन देखा ऑनर 90, दिस इज देयर सेकेंड फोन, और आगे देखते हैं वॉट ऑनर इज ऑल अबाउट टू ब्रिंग इट इन इंडिया। ये फिलहाल है एक इंटरेस्टिंग मिड रेंज फोन ऑनर X9B। गाइज साथ हमारे पास में फिर ये बड्स भी हैं, दीज आर द ऑनर चॉइस ईयरबड्स X5, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ईयरबड्स हैं मैं बोलूँगा, और काफ़ी यूनिक फीचर्स लेके आते हैं, जहाँ पे जो बैटरी है वो है अप टू 35 आवर्स की, और आपको 9 घंटे का इंडिविजुअल बड्स प्लेबैक मिल जाता है विच इज़ रियली अमेजिंग। 30 decibels तक यहाँ पे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है, इसके अलावा हमारे पास में क्विक पेयरिंग के ऑप्शन हैं, ब्लूटूथ 5.3 पे ये बेस्ड है। फॉर दिस प्राइस, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो है 1999, ये एक इंटरेस्टिंग कंपेनियन बन जाते हैं इस फोन के साथ में। और अगर हम बात करते हैं फोन की प्राइस के बारे में, तो उससे पहले बताता हूँ कि ऑनर के कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर्स जो वो इस फोन में लेके आए हैं। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप भी ऐसा ट्राई करें, ये पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, बट आई एम सीरियसली सरप्राइज जस्ट बाय द फैक्ट कि ये फोन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वाकई में। मतलब ये मैं शायद ना करता कि जो फोन करते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑनर इतना क्लेम कर रहा है मैं इसलिए बार बार ट्राई कर रहा हूँ इनकी एयर कुशन टेक्नोलॉजी को। यहाँ पे बोलते हैं कि ग्लास ही मजबूत है, और जिस तरीके से फोन का फ्रेम डिजाइन किया है, जो सब चीजें हैं ये फोन को मजबूत बना देती हैं, तो जस्ट इनको क्योंकि इस फोन पे भरोसा है ये आपको देते हैं 6 महीने का एक फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट। इसके अलावा जो वारंटी है वो भी 6 महीने से एक्सटेंड कर दी है, जो कि हो गई टोटल 18 महीने की। इसके अलावा फोन के साथ में इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, और मतलब एक अच्छा सा पैकेज बन जाता है। और अगर हम बात करते हैं इस फोन की प्राइस की, तो द प्राइस फॉर दिस ऑनर X9B इज 25,999 rupees, और इसकी जो सेल है वो स्टार्ट होने वाली है कल से, यानी कि 16 तारीख से, और दैट्स इट। आप बताओ कि आपको ये फोन कैसा लगा। मुझे ये फोन इंटरेस्टिंग लगा और साथ में मजबूत भी लगा। भाई ऐसा चले मजाक करते करते वीडियो के एंड में कुछ हो जाए, बट सो फार सो गुड, कोई दिक्कत नहीं। हमने 10-12 बार तो कम से ड्रॉप कर लिया, मेरे टेबल में बहुत सारे डेंट्स आ गए हैं, बट नथिंग ऑन द फोन सो फार। ये है ऑनर X9B। व्हाट्स योर टेक, आपका कहना है गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि ऑनर इंडिया में आके कुछ इंटरेस्टिंग फोन्स लेके आ रहा है। इट्स गुड फॉर द मार्केट, गुड फॉर द कंज्यूमर्स, गुड फॉर द कंपटीशन, और एक अच्छा पैकेज है सरप्राइजिंगली विद दिस बैटरी एंड डिजाइन एंड एवरीथिंग। कैमरा से बस ये है कि अगर जो अल्ट्रा वाइड 5 की जगह मिनिमम 8 तो होता तो और अच्छा होता, बट दिस इज़ वॉट वी हैव।
आप बताइए आप क्या कह रहे हैं नीचे कमेंट करते हुए। हमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।